बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में चूंकि इंटरफेरेंस का को डिस्कस करना है, इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेरेंस है क्या। अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस, जब भी दो वेव्स आपस में कंसाइड हो, कंबाइन हो, कुछ इस तरह से एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ और एक उसका ट्रफ ट्रफ के साथ मैच करें, तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट आता है वो एक बड़ी वेव आती है जिसका क्रस्ट उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है या उस दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है, और इसी तरह ट्रफ भी इंक्रीज कर जाता है, ट्रफ का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। इस फिनोमेना को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जबकि अगर वेव्स कुछ इस तरह से मिले कि क्रस्ट ट्रफ के साथ मिले तो दोनों वेव्स का असर जायल हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं, दोनों वेव्स कैंसिल कर देते हैं और नेट रिजल्ट जीरो हो जाता है। आप देख रहे हैं इस फिगर में क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है और ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, तो नेट वेव जीरो हो गई है। इस तरह के फिनोमेना को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। जब भी आप दो वेव्स का इंटरफेरेंस करवाने जा रहे हो, स्पेशली लाइट वेव्स, क्योंकि हम लाइट के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? नंबर वन, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, यानी एक ही तरह का कलर हो। कलर उसको एक होगा, मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर होगा जब उस लाइट का की वेवलेंथ सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट है। जब भी किसी लाइट के तमाम फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होती है तो तमाम फोटॉन्स का कलर भी सेम होता है। तो पहले कंडीशन ये है कि अगर आपने इंटरफेरेंस करवाना है लाइट फोटॉन्स का तो वो मोनोक्रोमेटिक फोटॉन्स हो। दूसरी कंडीशन ये है कि वो कोहेरेंट हो। कोहेरेंट से मुराद है कि जब भी उनकी मैचिंग हो रही हो तो एग्जैक्टली क्रस क्रस से मिले और ट्रफ ट्रफ से मिले, यानी द रिलेटिव फेज इज ऑलवेज द सेम। ये क्रस क्रस से एग्जैक्टली में मैच करे और ट्रफ ट्रफ से तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर क्रस्ट एग्जैक्टली ट्रफ से मैच करता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और तीसरी कंडीशन कि उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट इंटरफेरेंस करवाने जा रहे हैं जिसमें एग्जैक्ट कैंसिलेशन या डबलिंग ऑफ द एम्पलीट्यूड हो या स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ ही बन जाए रिलेटेड वेव, ये एक दूसरे को कैंसिल करें, तो यानी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना जरूरी है जिन फोटॉन्स को आप इंटरफेयर करवाने जा रहे हैं। तो ये तीन कंडीशन आपने याद रखनी है। मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए फोटॉन्स, कोहेरेंट होने चाहिए, और उन तमाम फोटॉन्स का जिनको इंटरफेयर करवा रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? असल में यंग्स एक साइंसदान था, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने एक लाइट सोर्स के आगे दो सुराख बनाए, स्लिट्स बनाई या स्लिट रखी। लाइट सोर्स के आगे जब एक पेपर रखा और उसमें दो होल्स थे, तो वहाँ से जो फोटोन्स निकले वो दो सोर्सेस, वो जो दो स्लिट्स थी वो दो सोर्सेस का काम कर रही थी। तो एक सोर्स ऑफ एक स्लिट से एक सोर्स ऑफ लाइट बना, यानी उससे रोशनी एमिट हुई, इसी तरह दूसरे स्लिट या दूसरे सुराख से भी रोशनी एमिट हुई। और जब ये दोनों सोर्सेस से रोशनी एमिट होकर आगे जाके किसी सरफेस पे मिली तो उनकी मिलाप या उनके इंटरफेयर करने के नतीजे में कुछ जगहों पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी रोशनी हमें कलर्ड लाइंस नजर आई या रोशनी नजर आई, जबकि कुछ जगहों पर वो एक दूसरे को कैंसिल कर गई और वहाँ हमें अंधेरा नजर आया। तो इस तरह से कुछ लाइंस बनना शुरू हो गई। इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट लिया गया, यानी रोशनी इंसिडेंट करवाई गई, वो पहले एक सिंगल सुराख से लाइट एमिट करवाई गई, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि यहाँ से इनिशियली सिंगल होल से लाइट एमिट हुई और वो आगे दो स्लिट्स के सामने पर डाली गई। इन दो स्लिट्स से, दो सुराखों से रोशनी फिर एमिट हुई और वो दो सोर्सेस का काम कर रहे हैं, S1 और S2 का, और ये आगे जाके जब किसी सर्फिस पे मिलते हैं तो हमें रोशनी के फोटॉन्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। S1 स्लिट से भी आपको नजर आ रहा है वेव फ्रंट बनते जा रहे हैं। ये सारे के सारे सर्कुलर जो लाइंस हैं ये वेव फ्रंट हैं, इन पर तमाम पर एक ही फेज के फोटॉन्स होंगे। मजीद एलेबोरेट करते हैं इस फिनोमिना को।
अगर आप इस फिगर पर गौर करें तो आपके पास जो स्लिट एस वन से लाइट एमिट हो रही है, ये रोशनी के फोटोन्स अगर किसी पॉइंट पी पर जाके मिलता है एस टू स्लिट से आने वाले फोटोन्स के साथ, तो हमें नजर आता है यहाँ दो डिफरेंट लाइट आ रही है, दो डिफरेंट पाथ से फोटोन आ रहा है, एक एस वन से पी तक पहुंचा और एक एस टू से पी तक पहुंचा। तो इन दो पाथ के दरमियान एक डिफरेंस है हमें नजर आ रहा है, एस टू से पी एक स्मॉलर डिस्टेंस है और एस वन से जो पी है वो बड़ा डिस्टेंस है, तो पाथ डिफरेंस होगा। ये जो पाथ डिफरेंस हमें नजर आ रहा है ये एस वन से बी के बराबर होगा, यानी ये फालतू लेंथ है, बाकी दो लेंथ सेम होगी, बाकी दो लेंथ जो है वो आपको सेम नजर आ रही है, ये हिस्सा फालतू लेंथ है या एक्स्ट्रा लेंथ है, ये डिफरेंस कास कर रहे हैं पाथ में। तो हम नजर आ रहा है कि जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा एल, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस सबसे स्मॉल डी कहते हैं और इसका साइन कॉम्पोनेंट ये परपेंडिकुलर बनेगा ट्राइंगल का, और ये जो है ये कॉस कॉम्पोनेंट होगा, यानी डी कॉस ऑफ थीटा बनेगा ये, और ये सामने वाला डी साइन ऑफ थीटा, तो हमें पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एल वो डी साइन ऑफ थीटा के बराबर नजर आ रहा है। और अगर इस फार्मूले को हम थोड़ा मजीद एक्सटेंड करें इस ट्राइंगल को देखते हुए, जो हमें इस फिगर को देखते हुए, तो हमें नजर आ रहा है इस फिगर में जो दरमियान की डैश लाइन है, डॉटेड लाइन है, इसमें ये ट्राइंगल बन रही है इससे, और ये परपेंडिकुलर वर्टिकल जो वाई से हम शो कर रहे हैं, और बेस इस ट्राइंगल में टेन ऑफ थीटा बराबर होगा वाई ओवर एल के, वाई इज वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एंड एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन फ्रॉम द स्लिट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वाई ओवर एल जो है वो टेन ऑफ थीटा होगा, और हमें मालूम है कि हम इसको यू लिख सकते हैं वाई एम इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा इंटू एल, और टेन ऑफ थीटा की जगह हम साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं कि जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन की वैल्यू टेन की वैल्यू सेम होती है, यानी अगर साइन ऑफ 0.1 रेडियन और टेन ऑफ 0.1 रेडियन दें तो एंगल जब हमने 0.1 रेडियन लिया तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो टेन की जगह हम साइन लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एंगल स्मॉल हो। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर एंगल स्मॉल है तो हम टेन की जगह साइन लिख सकते हैं, और साइन क्योंकि हमने साइन लिखा, साइन ऑफ थीटा लिखा, और साइन ऑफ थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एम लैम्डा ओवर डी, तो एम लैम्डा ओवर डी हमने पुट कर दिया इस फार्मूले में, तो आपके पास वाई एम इज इक्वल टू एल इंटू एम लैम्डा ओवर डी आ गया। यहाँ से हमें जो फार्मूला मिला ये हमारे लिए नया रिजल्ट है, ये उस सूरत में जब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, क्योंकि अगर पूरी पूरी वेव्स यानी पहली वेव जो वहाँ पी पॉइंट पर पहुंची अगर वो क्रस्ट बना रही और वहाँ पहुंचते हुए भी क्रस्ट बना और यहाँ दूसरे पास से भी एग्जैक्टली जो वेव्स हैं वो पूरी तादाद में बनी है, यानी पहली ऊपर वाले पास में अगर 8 वेव्स बनी है और नीचे वाले पास में अगर 13 वेव्स बनी है तो 5 वेव्स जो एक्स्ट्रा हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि जब पहली वेव यहाँ पहुँचेगी ऊपर वाले पास से तो नीचे वाले पाथ से जो पहली वेव होगी वो अभी जरा पीछे होगी क्योंकि ये फासला बड़ा है और 5 वेव्स के बराबर जो लेंथ है वो अभी पीछे होगी। अब जब इसकी ऊपर वाले पाथ से एक वेव आगे निकल चुकी होगी तो नीचे वाले पाथ से वेव आगे ट्रेवल करेगी और ऊपर वाले पाथ से जब 5 वेव्स एक्स्ट्रा वेव्स ट्रेवल कर जाएंगी आगे तो नीचे वाले पाथ से पहली वेव पहुंचेगी और इस तरह से एग्जैक्टली 5 वेव जाया हो चुकी होंगी ऊपर वाले पाथ से स्लिट से और नीचे वाले पाथ की पहली वेव और ऊपर वाले पाथ की छठी वेव मैच करेगी और हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। अगर एग्जैक्टली क्रस्ट क्रस्ट से मैच करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन अगर पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली एम लैम्डा नहीं बनता बल्कि एम और कुछ हाफ लैम्डा एक्स्ट्रा बनते हैं, पूरी 5 वेव के साथ आधी वेव मजीद निकल जाती है, यानी पाथ डिफरेंस 5.5 वेव का है तो हम कहेंगे पहली ऊपर वाली वेव का तो ट्रफ बन रहा होगा लेकिन नीचे वाली वेव का क्रस्ट पहुंचेगा और इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।